हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो है मावे की कचौरी, जो कि आप बिना चाशनी के भी खा सकते हैं और चाशनी में डीप करके भी खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं मावे की कचौरी बनाना। तो सबसे पहले मैं मैदे का डो तैयार कर लेती हूँ। एक कप मैदा है ये, 1 टेबल स्पून में घी डाल रही हूँ, ये 2 टेबल स्पून, और इसे मैं अच्छे से मैदे में मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए मुट्ठी बंध रहा है, इसका मतलब मैदे में मोयन जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है और बराबर मात्रा में घी डाला हुआ है। आधा कप में पानी ले रही हूँ और इसे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करूंगी। तो बस मैं इसे अब ढक करके रख दे रही हूँ। ये देखिए आधा कप में थोड़ा सा पानी बचा है, ये 1/4 कप से थोड़ा ज्यादा पानी यूज हुआ है। 1 कप चीनी है, 1 कप से थोड़ा कम मैं पानी ले रही हूँ। मैं सबसे पहले गैस का फ्लेम ऑन कर रही हूँ। लो फ्लेम पर मैं इसे चाशनी को तैयार होने दूंगी। तो जब तक चाशनी उबल रहा है तब तक मैं मावा फ्राई कर लेती हूँ। मैं गैस का फ्लेम ऑन कर रही हूँ, कढ़ाई रख रही हूँ मैं। ये 1/4 किलो लगभग मावा है और ये होममेड मावा है। इस समय अब मैं काजू, बादाम, किशमिश और खजूर बारीक काटा हुआ है ये सब मिला दे रही हूँ। अब मैं मावे में 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर मिला रही हूँ। मावा ड्राई हो चुका है तो अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दे रही हूँ और ठंडा होने के लिए मैं इसे छोड़ दे रही हूँ। चाशनी में मैं बचे हुए इलायची पाउडर मिला दे रही हूँ। शुगर सिरप बनके तैयार हो चुका है। मुझे एक तार की चाशनी नहीं बनानी थी, बस इसी तरह चिपचिपी चाशनी चाहिए थी मुझे। तो अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दे रही हूँ। ठंडा हो चुका है तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। मावा जो है ठंडा हो चुका है तो अब मैं छोटे छोटे हिस्से में इसे बांट लेती हूँ। तो अब मैं आटा भी चेक कर लेती हूँ। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट डो बन के तैयार हुआ है, जैसा हम लोग को चाहिए। थोड़ा मैं मिला लेती हूँ। अब मैं इसके बराबर बराबर बॉल्स बना लेती हूँ। ये देखिए इस साइज के मैं बॉल्स बना रही हूँ।
मैं गैस का फ्लेम ऑन कर रही हूँ, पैन रख दे रही हूँ। पैन में मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ और इसे लो फ्लेम पे मैं गर्म होने के लिए छोड़ दूंगी। जब तक तेल गर्म होगा तब तक मैं मावे की कचौरियों को तैयार कर लेती हूँ। अंगूठे को मैं यहाँ रख रही हूँ और साइड से मैं पतला कर रही हूँ, बीच से पतला नहीं कर रही हूँ। ये देखिए एक कटोरी के शेप में बना ली हूँ मैं। इसके अंदर एक पेड़ा रख रही हूँ मैं मावे का, और हाथों से प्रेस करते हुए कुछ इस तरह से कटोरी नुमा, ये देखिए ये इसके अंदर फिक्स हो गया। अब इस तरह से मैं इसे फोल्ड करते जा रही हूँ। ये देखिए अंगूठे और उसके पास वाले उंगलियों के बीच में दबाते हुए मैं इस तरह से, ये देखिए, और नीचे वाले हाथ से मैं घुमाते जा रही हूँ। और ये देखिए गोल बन चुका है, तो इस तरह से घुमाते हुए मैं इसे तोड़ लूंगी। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरी तरह सील हो चुका है। अगर आपको ऐसे रखना है तो ऐसे भी रख सकते हैं। मैं हथेलियों पे रख करके इसे इस तरह से प्रेस कर रही हूँ चारों तरफ से। ये देखिए, आप चाहे तो इसे हल्के हाथों से बेल सकते हैं। ये देखिए चारों तरफ से इक्वल, अगर आपको हथेलियों से नहीं हो रहा हो तो हाथों से कुछ इस तरह से आप ये देखिए। बिल्कुल आपको पता नहीं चल रहा होगा कि इसके अंदर फिलिंग किस तरफ से भरा गया है। और अब मैं इसे हथेलियों से इसे दबा दे रही हूँ, और अब मैं इसे आपको बेल के दिखा रही हूँ कि बेलने के बाद ये कैसा दिखता है। ये देखिए हल्के हाथों से आराम से मैं इसे ये देखिए किसी भी किनारे से ये क्रैक नहीं है, बीच से क्रैक नहीं है, और अंदर में मावे की क्वांटिटी भी अच्छी खासी है। ऐसा नहीं कि मैं कम भर रही हूँ। ये देखिए मावे का थिकनेस, तेल गरम हो चुका है। ये देखिए तेल गरम है, इससे ज्यादा गरम तेल नहीं चाहिए। अब मैं इसे अब मैं सारी कचौरियों को पलट दे रही हूँ। ये देखिए एक टिश्यू पेपर के ऊपर मैं सारे कचौरियों को निकाल लेती हूँ। चाशनी हम लोग का थोड़ा गर्म है, गुनगुना है, और कचौरियाँ हम लोग का पूरी तरह से भी गर्म है ये, तो मैं इसके अंदर डीप कर देती हूँ। आप चाहे तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं ड्राई भी, क्योंकि ये अंदर से मीठा ही है। इसके अंदर खजूर किशमिश डाला हुआ है। बस 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसे डीप करूँगी, उसके बाद इसे मैं निकाल लूंगी। मावे की कचौरी बनके तैयार हो चुका है और ये बना बहुत ही अच्छा है, और ये देखने में जितना अच्छा है खाने में उतना ही स्वादिष्ट है।
अब मैं आपको कचौड़ी तोड़ के दिखाती हूँ। तोड़ने के बाद ये कितना अच्छा दिख रहा है, अंदर तक शुगर सिरप गया हुआ है और मावा भी जो है इक्वल शेप में चारों तरफ फैला हुआ है। ऐसा नहीं कि मावे का फिलिंग एक जगह है। दूसरा तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, अच्छे तरीके से मावा भी दिख रहा है और अंदर तक चाशनी भी दिख रही है। ये देखिए, तो आप भी बनाइए और कमेंट में मुझे बताइए कि कैसा बना है। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।